नीतीश को सताने लगा डर, नीतीश को इस बात का डर है कि कहीं उनकी कुर्सी न छीन जाए, लिहाजा नीतीश कुमार वो कर रहे हैं जो इसके पहले नीतीश कभी नहीं करते थे। सुनकर आप भी हैरान हो जाइएगा कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा कौन सा नया कांड कर दिए। दरअसल ये खेल है बिहार के मुख्यमंत्री का सबसे भरोसेमंद बनने का, वैसा भरोसेमंद साथी के तौर पर जो आधी रात में मोदी के इर्द गिर्द रहने वाले करीबियों से भी आगे निकल जाए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी ज्यादा भरोसेमंद मोदी के हो जाए। नीतीश कुमार को यह भय सता रहा है। सोचिए, सूबे का मुख्यमंत्री कभी ऐसा हुआ है क्या कि आधी रात को जगता है, सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करता है, लिखता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और यह वक्त होता है ठीक 12:00 कुछ सेकंड पे। अब इतनी बेचैनी नीतीश कुमार को क्यों है? इतने करीब नीतीश कुमार क्यों नरेंद्र मोदी के जाना चाहते हैं? कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार को कितनी जरूरत है, ये कितनी बेचैनी नीतीश कुमार के अंदर है वो दिख रहा है। तभी तो हर मंच पर नीतीश कुमार हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और नीतीश इस बात के लिए वो भरोसा दिलाना चाहते हैं। पूरा माजरा समझेंगे हमारी सहयोगी नेहा हमारे साथ हैं कि आखिर नीतीश के मन में यह भय क्यों है, नीतीश क्या समझाना चाहते हैं। नेहा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अचानक इस तरीके से आधी रात को मैसेज कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? बिल्कुल गणेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और दुनिया भर से नरेंद्र मोदी को बधाई आई है, लेकिन इस बधाई के क्रम में नीतीश कुमार खूब सुर्खियों में रहे। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12:00 कुछ मिनट पर विश कर दिया, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, और जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के कई घंटों बाद बीजेपी के वो करीब नेता, बीजेपी के वैसे नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब माने जाते हैं, इस लिस्ट में अमित शाह का नाम पहले नंबर पर आता है, जेपी नड्डा आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, इन तमाम लोगों ने कई घंटे बाद नरेंद्र मोदी को विश किया। सुबह 6:00 के बाद वो सिलसिला शुरू हुआ जन्मदिन का विश करने का, वो भी सोशल मीडिया पर अहंकार है। बिल्कुल, वाजिब तौर पर अगर ये लोग बहुत करीब हैं तो फोन पर इन लोगों ने विश किया होगा, फोन कर दिया होगा पीएम मोदी को, लेकिन सोशल मीडिया पर सामाजिक तौर पर ये बताने के लिए जो वक्त इन्होंने निर्धारित किया था वो सुबह का था। बिल्कुल, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इन तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद विश किया, तो जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतनी क्या एक्साइटमेंट थी, इतने उत्सुक क्या थे कि 12:00 रात में ही उनसे रहा नहीं गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश कर दिए, शायद ये बताने के लिए कि नरेंद्र मोदी के हितैषी नीतीश कुमार के अलावा कोई हो ही नहीं सकते, नीतीश कुमार को अपनी करीब रहने के, मतलब उनके बहुत करीब हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बताने की कोशिश की गई है आज जन्मदिन विश करके, वो भी आधी रात में। नेहा, सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार आखिर किस डर से यह बताना चाहते हैं? बिहार में भले ही बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार में है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की ताकत बिहार के तमाम राजनीतिक दल को पता है, केंद्र में नरेंद्र मोदी नीतीश के बदौलत प्रधानमंत्री है, ऐसे हालत में नीतीश कुमार को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ेगी, हम आपके सबसे भरोसेमंद है, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल गणेश, राजनीति समझने वाले या बिहार की सियासत को जानने वाले हर किसी व्यक्ति को पता है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बिहार से और बाकी तमाम नेताओं के बीच भी खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार कब बीजेपी का दामन थाम ले, कब एनडीए में चले जाए, कब महागठबंधन में चले जाए, ये नीतीश कुमार के बगल में बैठने वाले नेता तक को नहीं पता चलता है। नीतीश कुमार इतने जल्दी पाला बदलते हैं तो जाहिर तौर पर विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और नीतीश अब ये चाहते हैं कि वो विश्वसनीयता वो इकट्ठा कर पाए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब आते हैं तो उनके पैर पड़ने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं उनके सामने, जेपी नड्डा के सामने हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि हम आप ही के साथ रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधी रात में बर्थडे यानी कि जन्मदिन विश किया, तो ये सब काम नीतीश कुमार इस वजह से करें ताकि नीतीश कुमार ये बता पाए कि हम आप ही के साथ रहेंगे, हमारी विश्वसनीयता आपके साथ है। बिल्कुल नेहा, नेहा जिस तरीके की ये घटना घटी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले सो जाने वाले व्यक्ति, और ऐसा कभी वो नहीं करते थे, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आधी रात को नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई देने के लिए नीतीश कुमार जगते रहे हो,
ये सुनकर थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगा, सोचिए कि सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकदम 12 बजे का प्रतीक्षा कर रहे थे, सरकार नहीं बनानी थी और ना ही नरेंद्र मोदी के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार जो बिहार में है वो गिर जाएगी। अगर चाहे तो नीतीश कुमार वो शख्सियत है कि वो जिधर रहेंगे सरकार उधर बनेगी, उनके दोनों हाथ में बैलेंस शीट है। वो बीजेपी से रिश्ता खराब होगा, विपक्ष की तरफ चले जाएंगे, विपक्ष की तरफ रिश्ता खराब होगा, एनडीए की तरफ आ जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम एनडीए के साथ हैं तो हम बने रहे, हमारी विश्वसनीयता भी रहे और ये सरकार आगे तक लंबी सरकार चले, ये कोशिश नीतीश कुमार की, शायद इसके पीछे की वजह यही है। और इसके अलावा जब आप प्रैक्टिकल तौर पर बात करेंगे गणेश, हम और आप हर कोई जानता है कि जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो खुद अपना सोशल मीडिया हैंडल नहीं ऑपरेट करते हैं, बशर्ते उसके लिए लोग होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपने लोग को ये निर्देश दे कि आपको आधी रात में करना है। सवाल ये है कि जब लोग होते हैं तो फिर अमित शाह के भी लोग होंगे। आप जो देखिए, ये अमित शाह तकरीबन 7 बजे या 6 बजे के आसपास उन्होंने जन्मदिन की शुभकामना दी है, राजनाथ सिंह भी अमूमन इसी समय दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को इतनी जल्दीबाजी किया थी, होड़ मची हुई थी कि सबसे पहले हम नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं संजय झाल, ललन सिंह, ये लोग भी पिछड़ गए हैं, जबकि ये केंद्र में नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा करीबी हैं। ललन सिंह तो मंत्री है, दूसरे मंत्री भी नरेंद्र मोदी को आधी रात को बधाई नहीं दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार इकलौते ऐसे सहयोगी के तौर पर उभर कर सामने आए जिन्होंने आधी रात का इंतजार नहीं किया, सुबह होने का इंतजार नहीं किया, वो आधी रात में ही जन्मदिन की बधाई दे डाली। बिल्कुल गणेश, और यही वजह है कि नीतीश कुमार इतने जल्दबाजी दिखा रहे, इतने उत्सुकता वो दिखा रहे हैं, तो ये डर लग रहा कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार डरे हुए अपनी कुर्सी को लेकर कि विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, अगर बीजेपी अपना बहुमत ले आती है तो नीतीश कुमार को शायद वो छोड़ दे। ये भी खबर निकलकर सामने आई थी, बीजेपी के कई सारे नेताओं ने कहा था कि हम चाहते हैं कि 2025 में बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा पार करे, नीतीश रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी अपने बहुमत को और बढ़ाए ये बताने की। नीतीश कुमार ने जन्मदिन की बधाई दी है, बधाई देने में राहुल गांधी भी पीछे नहीं है, भले ही देर से उन्होंने दिया है, आज उन्होंने दिया है, तेजस्वी यादव ने दिया है, विपक्ष के तमाम नेताओं ने दिया है, लेकिन नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी को आधी रात को बधाई दी है तो राजद के कई नेता फिरकी भी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। बिल्कुल, राजनीतिक गलियारे में चर्चा जोरों पर है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री सबसे बड़े पद पर, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा है, नीतीश कुमार से वाकई बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री के लिए इतनी बेचैनी कैसे, बेचैनी क्यों है इतनी कि 12 बजे रात में आप उठे और विश कर दिए, आप अपने लोगों को बोले कि नहीं आपको 12 बजे रात तक जगना है, विश करना है, उसके बाद भी किया जा सकता था, आप व्यक्तिगत तौर पर भले विश कर देते तो शायद ये चर्चा नहीं होती। जन्मदिन विश करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इस पर बहुत डिस्कशन नहीं हो सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है और इसके पीछे की वजह कि नीतीश कुमार ने विश्वसनीयता खो दी है। नीतीश कुमार की फितरत ही नहीं रही है निहाल, इसलिए सवाल उठ रहा है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमूमन अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, और आधी रात को अगर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के लिए नीतीश कुमार जगे रहे हो तो ये सोच के ही थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि क्या किसी व्यक्ति को जन्मदिन की बधाई देने के लिए कोई शख्स एग्जैक्ट वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब 12 बजे और हम जन्मदिन की बधाई दे दें। ये बिहार की सियासत से हम बात कर रहे हैं, कई लोगों की चर्चा हो रही है। देखिए, नीतीश कुमार को यह बात अच्छे से पता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी अगर थोड़ी भी मजबूत बिहार में हुई तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है, और नरेंद्र मोदी बीजेपी में वो सर्वमान्य नेता है कि जो चाहेंगे वही होगा। बिल्कुल, लिहाजा नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के नजरों में हीरो बनकर रहे। कुछ लिस्ट निहाम दिखा दे, या बिहार बीजेपी के नेताओं की क्या जो सोशल मीडिया पेज हमने खंगाला तो हमने देखा कि किसी भी नेता ने, कोई भी बिहार सरकार का मंत्री, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व में रह चुका है, चाहे सम्राट हो, मंगल पांडे हो या दूसरे मंत्री है, उनको इस बात की जल्दीबाजी नहीं थी। डिप्टी सीएम है नरेंद्र मोदी की कृपा से, बीजेपी के अंदर रहने वाले लोग मोदी और शाह की कृपा पे हैं, लेकिन उनको इस बात की जल्दीबाजी नहीं थी कि वो आधी रात को मिस कर दें। लेकिन नीतीश कुमार को उनके ही कैबिनेट के मंत्री नहीं कर पाए, उनके सहयोगी जेडीयू को नहीं कर पाए, लेकिन नीतीश कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा ही नहीं, और वो भी तब जब विपक्ष के नेता इस पूरे मामले पर फिरकी ले रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष फिरकी ले रही है और नीतीश कुमार इतने रात में विश कर रहे हैं, इस पर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के बहुत करीब रहें, इस बात का उन्हें हमेशा एहसास होता रहे, उसके लिए नीतीश कुमार को जो भी करना पड़े या फिर वो जो भी कर रहे हैं, केवल यही वजह है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। तो हमारी सहयोगी नेहा बता रही थी कि किस तरीके से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नजरों में सबसे भरोसेमंद साथी होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आधी रात जागने की बात हो
या जन्मदिन की बधाई देने में सबसे पहले नंबर पर आने की बात हो, नीतीश कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं, कोई भी पल गंवाना नहीं चाहते हैं, कैसे मोदी के नजरों में वो सुपर फैन बन जाए। इसके पहले बिहार की सियासत में कहा जाता था कि नीतीश कुमार का डंका ग्लोबल लीडर के तौर पर दुनिया में उभर कर सामने आया था, लेकिन सोचिए नीतीश कुमार जिस ग्लोबल लीडर के चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं वो नरेंद्र मोदी के किस तरीके से फैन बन गए कि उनके जन्मदिन के मौके पर आधी रात को आखिरी पल में बर्थडे विश करके सुर्खियों में आ गए। हालांकि ऐसा वक्त अमूमन आज के युवा पीढ़ी अपने बेहद ही करीब, बेहद ही जो उनके दिलों के करीब होते हैं उनके लिए करते हैं, एक मिनट का वक्त जाया नहीं करते हैं, सेकंडों का वक्त जाया नहीं करते हैं। शायद अब नीतीश कुमार को यह भी लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी उनके सबसे करीबी हैं जिनको वो नाराज नहीं कर सकते हैं, तभी तो वो पल नीतीश ने गंवाना मुनासिब नहीं समझा। फिलहाल आप भी जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बधाई देने वाला मैसेज पढ़ सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।